हेलो फ्रेंड्स, रेफेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और आप मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी उषा जैनो में ड्रीम स्टिच मशीन के शटल रेस एरिया की क्लीनिंग में ऑयलिंग कैसे करें। जब भी आपकी मशीन हार्ड चलने लग जाती है तब आप इस शटल रेस यूनिट की क्लीनिंग कर लें, क्योंकि कपड़े के छोटे छोटे रेसे जमा हो जाते हैं तो इसकी स्पीड भी कम हो जाती है और इतनी स्मूथली नहीं चल पाती है। तो आप इसके लिए सबसे पहले शटल रेस यूनिट की अच्छे से क्लीनिंग व ऑयलिंग कर लें। इसके लिए सबसे पहले आप पावर सप्लाई को बंद कर दें, फिर ही आप इसकी ऑयलिंग व क्लीनिंग करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सटेंशन टेबल को हटा देते हैं और अब हम बॉबिन केस को भी बाहर निकाल देते हैं। अब हम रिंग होल्डर को इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको रिंग होल्डर को हटाना है और शटल रेस रिंग को बाहर निकालना है। ये देखिए, ये शटल है और ये रिंग है। ये देखिए, इस पे कपड़े के छोटे छोटे रेसे जमा हो गए हैं, देखिए। तो आप इसको एक साफ कपड़ा लेके क्लीनिंग कर लें इसकी अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर छोटे छोटे कपड़े के रेसे जमा हो जाते हैं जिससे हमारी मशीन स्मूथली नहीं चल पाती है। तो समय समय पर आप इसकी क्लीनिंग भी कर लें और ऑयलिंग भी कर लें तो मशीन अच्छी चलेगी। अब हम इसके ऊपर जो नीडल प्लेट लगी हुई इसको भी हटा लेते, क्योंकि ये जो इसके मशीन के जो दांते हैं इसके अंदर भी बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है और छोटे छोटे धागे भी जमा हो जाते हैं। तो इसको भी हम हटा करके अच्छे से साफ कर लेते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बहुत डस्ट और कपड़े के छोटे छोटे धागे इकट्ठे हो गए। देखिए, इसकी भी हमें समय समय पर क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। और फुट भी हटा लेती हूँ मैं, लेकिन ध्यान रखिए ये सफाई करते समय आपको पावर सप्लाई जरूर बंद कर देनी है। आप चाहे तो नीडल भी खोल सकते हैं। ये क्लीनिंग हमने कर ली है, अब हम इसमें ऑयलिंग कर लेते हैं। एक बूंद आपको, ये देखिए, सॉफ्ट बूंद की यहां पे डालनी है। ये देखिए, इस तरह से ये घूम रही है, तो आप एक बूंद यहाँ डाल दीजिए और एक बूंद आप इसके ऊपर डाल दीजिए यहाँ। ये हमने इसमें क्लीनिंग ऑयलिंग कर दिए। अगर ऑयल ज्यादा डल गया तो आप इस कपड़े से थोड़ा साफ कर लें एक्स्ट्रा ऑयल को। अब हम एक एक करके सभी पार्ट्स वापस लगा देते हैं इसमें। सबसे पहले आप शटल को लगा दें। और अब इस रिंग को लगा दें इस तरह से। ये देखिए, रिंग को आपको ऐसे लगानी है। और अब रिंग होल्डर को इस तरह से लॉक कर दें इसके अंदर। और अब हम बॉबिन केस को लगा देंगे। बोबिन केस को आप हमेशा बताती हूँ मैं वीडियो में कि आपको इस तरह से बोबिन केस के अंदर बोबिन डालनी है। देखिए, आपका धागा इस तरह से, देखिए मैंने पकड़ रखा, इस तरह से धागा इधर जा रहा, इधर खुल रहा है। देखिए, इसी तरह से ये बोबिन केस है, देखिए इसमें एक एरो बना हुआ है। ये देखिए, इधर चौड़ा है और इधर जाते जाते ये पतला है, ये एरो की तरह बन गया। तो आपको इसको इसी तरह से लगाना है। देखिए, इससे क्या कि बार बार धागा आपका बोबिन केस से निकल करके बाहर नहीं आएगा।
नहीं तो बहुत बार धागा यहाँ आ जाता है खुल करके। इस तरह से लगाओगे तो आपका धागा बाहर कभी नहीं निकलेगा। और अब इसको आप चला करके देख लें, ये देखिए नीडल टकरा तो नहीं रही कहीं आपकी सटल के ऊपर, ये देखिए नहीं टकरा रही है। अब हम इस नीडल प्लेट को भी हम वापस लगा देते हैं। ऑयलिंग और क्लीनिंग आप समय समय पर करते रहेंगे तो आपकी मशीन बहुत ही अच्छी चलने लग जाएगी। और प्रेशर फुट को भी हम वापस लगा देते हैं। अब मैं आपको धागा डालना भी बता देती हूँ इसी के अंदर, कि धागा आपको कैसे लेआउट करना है इसमें। ये देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से धागे को इसमें डालना और फिर एक राउंड इसके अंदर ऐसे लेना। ये देखिए यू यहीं से आप यू टर्न लेना, ये देखिए यहां पर यू बना हुआ है। और फिर धागे को इस तरह से टेकअप लेयर में डालना, ये देखिए इधर से ऐसे। फिर आपको नीचे की तरफ धागे को लाना और यहां थ्रेड गाइड है इसके अंदर धागे को डालना और इसमें आप सामने से धागा नीडल में डालेंगे। इस मशीन में ऑटोमेटिक नीडल थ्रेडर नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें धागा डालने में। अब मैं आपको मशीन चला करके बता देती हूँ, तो इसके लिए मैं पहले पावर सप्लाई ऑन कर देती हूँ। ये देखिए मशीन बहुत अच्छी चलने लगी है। देखिए अगर आप समय समय पर मशीन की ऑयलिंग व क्लीनिंग करते रहेंगे तो आपकी मशीन बहुत ही अच्छी चलती रहेगी, स्मूथली चलेगी और इसमें आपको धागा भी बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए इस तरह की स्टिच आएगी आपकी मशीन में भी। इसके अलावा भी मैंने कई मशीनों के ऑयलिंग व क्लीनिंग से संबंधित कई वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।